धरती को सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण, अब तो मिटने लगी अशिक्षा भाई की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर, देखते हैं बढ़ता बिहार। अब सूबे के सभी एससी एसटी आवासीय स्कूलों में 25% सामान्य वर्ग के छात्र पढ़ेंगे। राज्य सरकार सभी अनुमंडल मुख्यालयों में ऐसा एक स्कूल खोलेगी। बरौनी थर्मल पावर के दोनों यूनिटों से अगले साल तक बिजली उत्पादन हो जाएगी शुरू। बरौनी थर्मल पावर से बिहार को कम से कम 200 मेगावाट बिजली मिलेगा। राज्य सरकार अब हर 6 किलोमीटर पर आवासीय पशु अस्पताल खोलेगी। प्रत्येक अस्पताल की लागत होगी 54 लाख रुपए। सूबे में इस वित्तीय वर्ष में 23,041 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। इनमें 1675 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। राज्य सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के वेतन में हर वर्ष करेगी बढ़ोतरी। लाइब्रेरियन के मामले में भी यह नियम होगा लागू। बिहार के सिल्क, खादी और मधुबनी पेंटिंग वाले डिजाइनर कपड़े जल्द ही फैशन की दुनिया में मचाएंगे धूम। राज्य सरकार निफ्ट के सहयोग से इन कपड़ों को पूरे दुनिया भर में करेगी मशहूर। राज्य सरकार बांध, नहर और खाली जमीनों के ऊपर सोलर ग्रिड प्लांट लगाएगी। इन ग्रिडों से सौर ऊर्जा का होगा उत्पादन। राज्य सरकार सूबे की सहकारी बैंकों और पैक्सों को और करेगी सशक्त। अब खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण का पैसा सहकारी बैंकों में ही होगा जमा। 5 बीमारियों से बचाव के लिए जनवरी से बच्चों को सरकारी अस्पताल में लगेगा पेंटावेलेंट का टीका। इस वैक्सीन से प्रदेश में जन्म लेने वाले लगभग 30 लाख बच्चे होंगे लाभान्वित। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को सस्ते दर पर देगी कृषि यंत्र। इसके लिए सरकार ने की 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य सरकार द्वारा बिहार के लोक कलाकारों को अन्य राज्यों के लोक कलाकारों और कलाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से राजधानी पटना में 3रे शिल्पोत्सव का आयोजन 15 से 23 दिसंबर तक किया गया। इस उत्सव में उड़ीसा, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई राष्ट्रीय कलाकार भी आए। शिल्पोत्सव में कुल मिलाकर 3 कार्यक्रम हैं। एक स्टेट अवार्ड कंपटीशन, जिसमें बिहार के डिफरेंट क्राफ्ट के करीब 250 शिल्पी शामिल हैं। इनके बनाए हुए कलाकृतियों पर 23 दिसंबर को उसमें से 20 लोगों का स्टेट अवार्ड के लिए चयन होगा। दूसरा कार्यक्रम क्राफ्ट बाजार मेला है, जिसमें 100 शिल्पी और बुनकर बिहार के उत्पादों को लेकर अपनी बिक्री के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कार्यशाला का भी आयोजन किया है, जिसमें देश के नामी गिरामी 35 शिल्पी जो देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं अपनी अपनी कला का जीवंत प्रदर्शन कर रहे हैं। शिल्पोत्सव के दौरान उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर में प्रवेश करते ही बिल्कुल अलग नजारा दिख रहा था। परिसर में खर और बांस की फर्राटियों से बने 5 भव्य मंडप थे और मधुबनी चित्रकारी से सुसज्जित 10 छोटे मंडप थे। साथ ही सिक्की, सुजनी, मधुबनी, टिकुली, मंजूषा, कसीदाकारी आदि लोक शिल्पों के सुंदर नमूनों से भरे 100 स्टॉल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शहर के बीच एक छोटा सा नया शहर बस गया हो। एक ऐसा शहर
जहां देश के अन्य प्रांतों के शिल्प और शिल्पकार कला प्रेमियों के समक्ष अपनी कृतियों को आकार दे रहे थे। शिल्पोत्सव में 35 से भी अधिक राष्ट्रीय कलाकार और लगभग 300 बिहार प्रदेश के कलाकारों ने हिस्सा लिया। यहां लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का भी आयोजन किया गया। यहां आए सभी कलाकार एक दूसरे के लोक कलाओं के बारे में जान रहे थे, सीख रहे थे और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। कला, साहित्य, संगीत ये एक जगह नहीं, ये पूरा विश्व के लिए एक है। ये कहीं भी ऐसी भी बात नहीं है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं, फर्नान लेजे एक क्यूबिस्ट है, वो आपका बंगाल का पटचित्र से मिलता है उनकी काम, तो उसका मतलब उन्होंने भी कभी उसको देखा, उससे प्रभावित हुई। तो इस तरह से हम लोग भी जैसे विदेशी इज़्म्स आए, नया नया जो परिवर्तन आए, उससे हम लोग भी प्रभावित होकर के हम लोग भी कुछ अनुप्राणित हुए। लेकिन उसके बाद ये एक शुरुआती समय होता है, उसके बाद हम अपने से अपने को विकसित करते हैं और ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है जिससे हेल्थी डेवलपमेंट होता है, चाहे वो आपका फोक आर्ट हो, चाहे ये कंटेम्प्रेरी हो, इस सब में ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। मेरे पेंटिंग में आप देखेंगे ना, मैंने कुछ मोटिव्स डाल रखे हैं, अल्पना डिज़ाइन टाइप जो भी है। अभी मैंने यहाँ पे टिकली आर्ट देखा, तो मुझे लग रहा है मैं अपने आर्ट में अगली बार टिकली आर्ट भी कुछ इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं से कुछ तो सिखा जाती ही हैं, और इस बार तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। पेपर मैसी वगैरह इतने नज़दीक से देखा, मैंने भी किया है पेपर मैसी का काम, मगर यहाँ पे एकदम जो सही एक्चुअल होता है वो देखा, वो सीखा। शिल्पोत्सव में निर्मित कलाकृतियों के आधार पर ही कलाकारों का चयन बिहार कला पुरस्कार के लिए हुआ है। राज्य सरकार द्वारा यहां कलाकृतियों को बेचने के लिए 100 स्टॉल लगाए गए थे, जहां हर दिन हजारों कला प्रेमी इन कलाकृतियों को देख रहे थे और इन्हें खरीद भी रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के आगे, क्योंकि इंडिया में जितने स्टेट मैंने घूम चुका हूँ, सारे जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जितने ऑर्गेनाइज करता है, मुझे तो बिहार गवर्नमेंट की बहुत अच्छा लगा। ये ओपन डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसी में स्टेट अवार्ड भी होगा, ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, सबसे बेटर लग रहा है, क्योंकि अभी इंडिया में है नहीं ऐसा ओपन डेमोन्स्ट्रेशन प्लस 10 दिन के अंदर वो ओपन अवार्ड। इस टाइप की प्रोग्राम बिहार में देख के इतना अच्छा लगा, मैं वो दूसरे स्टेट को भी बताना लो, हम दिल्ली जाकर सारे गवर्नमेंट को भी बताएंगे जो ऐसा ऐसा हो रहा है। एक्चुअली हमारा इसके बारे में नॉलेज नहीं था, हम लोग दूसरा कुछ सोचते थे, लेकिन अभी तो इतना अच्छा लग रहा है आप पूछिए मत। जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये ऑलमोस्टली नेशनल लेवल की कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें थोड़ा एक्सचेंज प्रोग्राम भी रहेगा। जैसे कि सपोज मैं भी कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ भुवनेश्वर में, तो यहाँ से कुछ इंटरेक्शन हुआ तो मैं भी वहाँ पे कुछ बुलाऊँगा, और फिर इस टाइप का कुछ प्रोग्राम होता रहेगा तो आगे भी आर्टिस्ट लोग बढ़ते रहेंगे, इसलिए प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है। राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्व शुरू की गई ये पहल अब रंग लाने लगी है। यहाँ सैकड़ों कलाकार अपने कलाओं को नया रंग दे रहे हैं और कलाकारों को एक नया बाजार मिल रहा है। बालिकाओं की भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प। लिंग अनुपात को बढ़ावा और कन्या के जन्म को प्रोत्साहन। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को कन्या के जन्म स्वरूप अनुदान राशि। ऐसे परिवारों को कन्या के जन्म के समय 2000 रुपए प्रति कन्या की दर से यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश। यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश कर प्रमाण पत्र लाभुक माता पिता को। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी, तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण,
और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य स्थानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गुरुपा। गया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव जो सड़क मार्ग से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद महाकश्यप को विचार आया और वो कुक्कुटापाद गिरी पहुंचे। वहां पर एक गुफा में जब उन्होंने ध्यान लगाया तो वह गुफा स्वयं बंद हो गई। कहा जाता है कि आने वाले समय में मैत्रेय बुद्ध पहले कुक्कुटापाद गिरी जाएंगे, वहां महाकश्यप को उठाकर बुद्ध के वस्त्र लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। आज इस पवित्र स्थल को गुरुपा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी की तली से लगभग 1000 फीट ऊपर चढ़ने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और ऊपर एक अंधेरी गुफा को भी पार करना पड़ता है और आगे जाने पर रोशनी की किरण आशा का संदेश बिखेरती मिलती है। ऊपर अनेक हिंदू धर्म स्थल बने हुए हैं। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।